भगवान, इस मुन्ने के बच्चे ने हमरे नाक में दम कर रखा है रे। आज फिर चला गया पहाड़ी के उस पार बंगले का। अरे कौन जाने कौन सा झगड़ा लेकर फिर अटकेगा यहाँ पर। भैयो ये सब तोरे दुलार का नतीजा है, एकदम निकट हुई गवाह है मुन्ना, सारा गांव उसकी शरारतों से तंग आई गवाह है। अरे अब तू बातें ना बना, जल्दी जाओ का दे। अरे कोई गड़बड़ कर दी तो सारे गांव में बदनामी हुई जाएगी हमारी। ठीक है मैयो, तुम ही के संभालो, हम जाते हैं। अरे सूख लड़ाई भिड़ाई मत करियो, उसे प्यार से समझाई के लिए आई हूँ जसवा। तुम चिंता ना करो मैयो, हम घर ले आई लो। वो मारा बहुत बचत बचत फिरत रहे बचुआ, अब हुई गवा बंटादार। छी छी छी, तूने नाहक इस बेजुबान की हत्या कर दी मुन्ना। अरे तू बहुत खराब हुई गवा रे। खबरदार भैया, हमरे शिकार को हाथ मत लगाइयो। नहीं रे मुन्ना, अभी जिंदा है, हल्दी चूना लगाई तो ठीक हो जाएगा। हम कहते हैं उसको वहीं डाल दो, वरना तुम्हारा भी निशाना लगाई देंगे। अच्छा? हमका धमकी देते हैं, ये लो हम तोरा शिकार उड़ाई देते हैं। भैया हमरा शिकार उड़ा के तुमने हमको ललकारा है, हम तो का नहीं छोड़ी। मैयो तुझे जाने दो, उसे हमरा भैया है, छोटा भैया, बड़ा होकर समझ जाए। खून जसवा, तुझे अधिक चोट तो नहीं आई? नहीं मैयो, अरे लाल, पर मुन्ना ने एक दाव ऐसा मारा, हमका तो दिन में तारे नजर आए गए, हड्डी पसली बराबर हो गई। बहुत शैतान हुई गवाह। चल बेटा। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। पायला के महाराज। जी तेरा हो। क्यों रे, तूने हमें प्रणाम नहीं किया? ये बहुत निकम्मा है महाराज, हम तो तंग आई गए हैं, कोई उपाय बताओ कि ये अपनी शरारतें छोड़ दे और आदमी बन जाए। इतनी चिंता क्यों करती हो देवी, अभी ये बच्चा है, बड़ा होके समझ आ जाएगी। ये तो हम कहते हैं मैयो से। पर ये हमारा जसवा भी तो है, एकदम गौ समान। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती देवी, तुम एक काम करो, हमने बरसों तपस्या करके ये मालाएं तैयार की हैं, इन पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, हम इन्हें पहनाए देते हैं, दुर्गा माँ सदा इनकी रक्षा करेगी। धन्य हो महाराज, धन्य हो। सुनो बच्चों, चाहे कैसा भी समय आ जाए, ये मालाएं गले से नहीं उतारना, जब भी कोई काम करना दुर्गा माँ से आज्ञा अवश्य ले लेना। हम समझ गए महाराज, प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सदा सुखी रहो। तेरा
गया मुन्ना। भयो, भयो, ये तो हम है, तुम्हारे जस्सू। जस्सू बेटे, हमका वचन दे, तो अपने भैया को साथ रखेगा, ऐसा करेगा जस्सू। मयो, ये तो का कहते हैं मयो, ऐसा नहीं का, हमका डर लागे थे मयो। बेटा, बेटा, हमरे पास समय नहीं है रे। हमका वचन दे बेटा। मयो, ऐसा नहीं कहो मयो, ऐसा नहीं कहो। बरफुरदार। देखो मयो, मियाँ चाचा आ गए। हम कैसी हो बहन? ये का दिन अब खत्म हो चुका है इनायत भाई। अच्छा हुआ आप ठीक समय पर आ गए। इन बच्चों का नसीब तो देखो, ना बाप का प्यार मिला और अब माँ की ममता भी छीन रही है। खुदा पर भरोसा रखो बहन, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। इनायत भाई, अब हमारा आखिरी समय आई गवा है। आखिरी समय। मयो, 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 बताओ गवा मयो। सब्र करो बेटा, सब्र करो, सब्र करो। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। भगवान की लीला भी नारी होती है मियाँ जी। हाँ भाई, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। जिसने माँ की कोख देखी है वो कब्र भी जरूर देखेगा, बस आगे पीछे का फर्क है। अब हमारा क्या होगा मयो? रो मत बेटे, सब्र करो, सब्र करो। मियाँ चाचा, मयो हमका अकेले छोड़कर चली गई, अब इस संसार में हम बिल्कुल अकेले हुए गए, अकेले हुए गए। बेटे रो नहीं, नहीं तो तुम्हारे आंसू तुम्हारी माँ की रूह को बेचैन कर देंगे। तुम आज से मेरे बेटे हो, मेरे पास ही रहोगे। हाँ, परवरदिगार, मैं तेरा गुनहगार बनता हूं। अपने हबीब के सदके और तोफैल में मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मुझे नेक हिदायत दे। आमीन। अरे बरखुरदार, कहाँ हो? उक्का लाओ। आवत है चाचा मियाँ, तनिक हुक्का भरत। अच्छा। है जीते रहो, खुश रहो। लाओ चाचा मियाँ, तनिक पांव दबा दे। नहीं बरखुरदार, अब तुम बड़े हो गए हो, बचपन की बात और थी। चाचा मियाँ, आज अगर आपका बिटवा होता तो वो आपके पांव नहीं दबाता, और फिर आप हमका भी तो अपने बेटे की तरह ही चाहते हो। बेटे की तरह चाहते हैं, तभी तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। नहीं चाचा मियाँ, हम कहीं शादी ब्याह के जंजाल में मत डालो। मरते समय मयो ने हमसे वचन लिया था कि मुन्ने को हमेशा अपने पास रखना। अब तो हम बड़े हो गए, मुन्ने को खोजना हमारा फर्ज है। मगर बरखुरदार, तुम उसे ढूंढोगे कहाँ? शहर में जाकर। चाचा मियाँ, इतने साल हो गए हम अपने मुन्ने को भूल नहीं पाए। रात को सपने में मयो भी कह रही थी, क्यों रे जसवा, तू अपना वचन भूल गया का?
ये सुनकर हमें इतने बड़े शहर में कोई पता ठिकाना जाने बगैर तुम उसे कैसे ढूंढ लोगे? हमारी लगन सच्ची है चाचा मिया, हमका विश्वास है हमारा मुन्ना हमका जरूर मिलेगा। बरखुरदार, तुम्हारे इरादे नेक हैं, इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। तुम एक नेक और शरीफ इंसान हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह नेक और शरीफ होगा। दो हजार मेरे भी आए। बस 2000 की चाल। ये रही 5000 की चाल। पूरे 5000 शो कर दो। खबरदार, पैसों को हाथ नहीं लगाना, हाथ तोड़ कर रख दूंगा। असली पत्ते निकाल। क्या बकते हो? क्या बक रहा हूं या अभी समझाता हूं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा विक्रम सिंह। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। That's okay. तुम सबको का प्रोग्राम मालूम है ना? Yes, sir. Take care. बाबूजी, बहुत बखत होएगा, हमारा रुपया कब मिलेगा? जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हें बुला लिया जाएगा। जाओ उधर जाके बैठो। माफ करना भैया, तुम्हारा नंबर कहाँ है? 420। इसका तो बहुत ही लंबा नंबर है। कोशिश की तो यहां लाशों का ढेर लगा दूंगा। ये भाई है कि मारो पैसों, मारो पैसों। और 500 रुपए का कहां होगा? सिटी बैंक। ओ माय गॉड, इंस्पेक्टर फॉलो मी, कम ऑन, हरी अप।
टैक्सी रोको, जाओ। पुलिस, रुकना नहीं, निकल चलो। स्टॉप, स्टॉप। ससुरे अंकल इस काल कोठरी में बंद करके चले गए, पर हमार नाम भी जसवा है, हम हमार 500 रुपल्ली के लिए उनका नाक तक पीछा करेंगे। बाल बाल बच गए, बस अब खतरे की कोई बात नहीं। दुर्गा मैया, हम संकट में फंस गए हैं, हमारी सहायता करो, हमका कोई रास्ता दिखा दो। जुदरू जुदरू मुंडू ये क्या कर रहे हो विक्रम? विक्रम नहीं, उसूल बोलो बॉस, उसूल। हैंड्स अप। What nonsense? सुना नहीं तुमने? हाथ ऊपर। हाँ, और असूल तोड़ने वाले का रिश्ता मैं हमेशा के लिए जिंदगी से तोड़ देता हूँ। मुझे धमका रहे हो? ये मत भूलो कि तुझे भौंकना मैंने सिखाया है और काटना मैंने खुद सीख लिया है। मुझे मेरा हक अभी और इसी वक्त वसूल करना है। मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं भी अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा। निकल बाहर साले, गीदड़ की तरह कहां छुप रहा है? निकल बाहर साले। गद्दारी की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो काका, काहे लड़ाई भिड़ाई करत हो? अपना हिसाब मैं बाद में वसूल कर लूंगा। अरे, अरे असली घी की पकड़ है, जिंदगी भर नहीं छूटेगी। ज्यादा फौजदारी करोगे तो ठहर ठहर कर देंगे। हमारा निशाना बहुत चौकस है। कौन हो तुम?
चाहते क्या हो? तुम ही जो डकैती का माल लाए हो, इसमें हमारे 500 रुपया है। सिर्फ 500 रुपया? हाँ। तो ले लो। नहीं, हम ही बाप की गठरी को हाथ न लगाए, तुम ही सराफत से हमारे रुपया दे दो। इस मामले में तो तुमने शराफत दिखाई, फिर चोरी चकारी का काम काहे करे थे? किसी दिन धर लिए गए तो मैयो याद आ जाएगी। हाँ, जयराम जी की। अच्छा, हमको एक बात बताए, ये बाहर जाने का दरवाजा किधर है? उधर है। कौन है? हुजूर, हम जसवान। राम राम। राम राम। धन्य है, किसी ने तो हमारा खबर पूछी। सर, ये भूप सिंह के बैंक का एक खास आदमी है जिसने बैंक में डाका डाला है। अरे, पुलिस की वर्दी पहनकर झूठ बोला था? हुजूर, हमने कोई डाका बाका नहीं डाला, उल्टा इन्हें हम पे डाका डालकर हमको लूट लिया। फौरन इनकी तलाशी लो हुजूर, इनकी अड्डी में हमारे 500 रुपया निकल आएंगे। इसी तरह डकैती का पूरा किस्सा बता दो, वरना रात को हम तुमसे सब कुछ उगलवा लेंगे, समझे? अरे रात को क्या उगलवाओगे, हम अब दिन में सब उगल देते। लिखो बयान। बैंक में डाका डाला एक बड़ी मोटर वाले डाकू ने। किधर गए वो? उनकी गाड़ी का नंबर क्या? हुजूर, हम कोई नंबरदार थोड़ी है जो गाड़ी का नंबर भी बता दे। मालिक, मालिक वो आपस में झगड़ा करते हैं। मगर वो गए कहां? पश्चिम की ओर घाटी की तरफ गया है। हुजूर, जहाज जैसी मोटर है, भागकर जाएगा कहां? कोई चूहा तो है नहीं जो बिल में छुप जाएगा। मिस्टर राव, बुलावत। यस सर, गुड इवनिंग डॉक्टर। धन्यवाद हुजूर, धन्यवाद। जी का अंग्रेजी नहीं समझे, साफ क्या बोले? ले जाके बंद कर दो। की बोले का? की बोले? अरे क्या बोले रे? हाँ, तभी प्रेम से ले जाओ, हम ना थोड़ी बोले थे, हम तो चलत है। राम राम भैया। हाँ हाँ, राम राम। कौन नगर के हो? नगर के। ओहो, बहुत पवित्र जगह। दूध में पानी वानी मिलाया था? अरे हम भैया नहीं, हम दूध वाला भैया नहीं, हम परदेसी है। एक तो हम घर लूट लिया, ऊपर से हमका बंद करत है। कौन सा नाम सा भैया? तो हर जिला। अरे ये ससुर को तो छोड़ो, तुम भी हमारे संग नहीं रहोगे क्या? हाँ तो भैया, हम पूछे थे तो हर जिला कौन सा? बनारस बैठे। ओहो, बनारस।
से है सब ये शामों से है। हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज और सेल सर्विस में कामयाबी हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल की हकदार वही स्टूडेंट है जिसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो है निशा ठाकुर। तशरीफ लाएं कुमारी निशा ठाकुर। तुमने जिस तरह इस कॉलेज का नाम रोशन किया है उस पर हम सबको नाज है। मैं तुम्हें इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए यही कहूंगा
काश तुम मेरी बेटी होती। बेटी, अपनी कामयाबी का राज हम सबको बताओ, ताकि तुम्हारे बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको रोशनी मिले। मिस्टर चेयरमैन, बुजुर्गों और साथियों, मेरी कामयाबी पर जिस तरह आपने खुशी जाहिर की है, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। खासकर मिस्टर चेयरमैन की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे बेटी कहकर सम्मान दिया है। सच पूछे तो मेरी कामयाबी का राज मेरे पिताजी का आशीर्वाद और उनकी तमन्ना है। मैंने पिताजी को नहीं देखा। मम्मी कहती है जब मैं छोटी थी उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी तमन्ना थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर इतनी कामयाबी हासिल करे कि सारे संसार में उनका नाम रोशन हो जाए। वो बड़े शरीफ, नेक और आदर्शवादी थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है उनकी आत्मा जरूर यहाँ मौजूद होगी और मुझे आशीर्वाद दे रही होगी। नतीजा आपके सामने है, लेकिन ये कामयाबी अधूरी है। मुझे अभी बहुत आगे जाना है। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद अगर मेरे साथ रहे तो मैं अपने पिताजी की तमन्ना पूरी कर लूंगी। काश आज वो यहाँ मौजूद होते। गद्दारी करना बुजदिलों का काम है टाइगर, और विक्रम सिंह बुजदिल नहीं है। गद्दारी की है भूप सिंह ने, और वो भी हम सबके साथ। क्या बकते हो? वही जो सच है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोलते हो और बकवास करते हो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? हवालात में जाओ और खुद अपनी आंखों से देखो भूप सिंह ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया कि नहीं। और डकैती का माल अकेला हड़प कर गया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि मेरा नाम विक्रम सिंह है, जो शेर के मुंह से अपना हक छीन लेता है। मैं भूप सिंह को उसकी चिता जलने तक माफ नहीं करूंगा। बता रुपया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं भूप सिंह, मैंने अच्छे अच्छे बदमाशों के नशे उतार दिए हैं। अगर तूने अब भी जुबान नहीं खोली तो जीते जी जिंदगी को तरस जाएगा। बता। मुझे नहीं मालूम। ठीक है। पानी पीकर मुझ में इतनी ताकत आ गई है इंस्पेक्टर, कि आप फिर से मुझे उतनी ही यातना दें, मारे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम। अरे क्या हुआ? हाँ, बहुत कस के मरम्मत हुई हुआ। तुम हो का? तब तो ठीक ही बाबा, तुम जैसे पापी की तो और मरम्मत होनी चाहिए। अगर तुम हमका मिल जाता ना तो तुम्हारे नाक में हम रस्सी पहना रहते। पहला बताओ तो, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा ने भी कभी कोतवाली का मुंह नहीं देखा, पर हम तुम्हारे कारण ही जंजाल में फंस गए। अरे हम कहते हैं, चोरी और डकैती के पैसे से कभी आत्मा को शांति मिला है? धर्म और ईमान से जिंदगी गुजारते तो ये दिन काहे को देखना पड़ता। तुम एकदम भोले हो। अरे अगर इस दुनिया में ईमान धर्म होता तो तुम यहां बंद क्यों होते? तुम ईमानदार हो, नेक हो, ये मत समझो कि मैं जन्म का पापी हूं।
हत्यारा हो, ये सब मुझे इस दुनिया ने बनाया है। ये दुनिया बहुत जालिम है। जो मैं आज हूं वो ये दुनिया कल तुम्हें भी बना सकती है। तुम मेरा गुजरा हुआ कल हो। मैं भी शराफत की जिंदगी गुजारता था, इज्जत से रहता था, मेरा भी एक सुखी परिवार था, बीवी, फूल सी बच्ची, प्यारी सी बहन। मैं भी ईमानदारी से रोटी कमाता था। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारी बात का बुरा माना है कभी? तुम्हारी तनख्वाह तो अच्छी खासी है, 100-200 और टाइम भी कर लेते होगे, फिर हमेशा घर में 700 रुपए क्यों लाते हो? बाकी के रुपए कहाँ जाते हैं? कुछ तो जुए में हार जाता हूँ और बाकी की शराब पी लेता हूँ। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, तुम तो हर बात मजाक में डाल देते हो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ठाकुर साहब अगले हफ्ते बारात लेकर आ रहे हैं और घर में अब तक कोई इंतजाम नहीं, कहीं बिरादरी में नाक न कट जाए। तुम्हारी ये छोटी सी नाक कटने का कोई चांस नहीं है। देवी जी तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। क्या इंतजाम कर लिया है? ये जो इतने अरसे से मैं कम पगार ला रहा हूँ ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी आधी पगार और ओवर टाइम मैं सेठ जी के पास ही जमा करवा देता हूँ, ताकि वो सुंदरी के ब्याह के वक्त काम आए। सच? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन सेठ जी पर इतना विश्वास है तुम्हें? विश्वास? अरे मैं तो भगवान के बाद सेठ जी को ही सब कुछ समझता हूँ। देवता है देवता। तो फिर जाकर रुपए ले आओ, कुछ सामान भी तो खरीदना है, अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं। ठीक है भाई, कल ही ले आता हूँ। लेकिन देवी मैं अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा, इतनी धूमधाम से करूंगा कि बस सब लोग देखते ही रह जाएंगे। देखा देखा कैसे छुप छुप के अपने ब्याह की बातें सुन रही है, जोर कहीं की। देखिए ना भाभी, भैया भी क्यों छेड़ रहे उसे? बस अब तो थोड़े दिनों की बात है, मौज उड़ा ले, फिर तो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी मेरी पन्नू। भैया। अरे भूप सिंह, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, घर में नहीं बैंक में जमा कर रखी है, जिम्मेदारी की बात है। और ये भी सोचा तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या ऐसी बात कर रहा है भूप सिंह, पागल कहीं का? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सेठ जी, भरोसा तो भगवान के बाद मैं आप ही पे करता हूँ। तो चिंता की क्या बात, चैन की नींद सो। अरे सुंदरी तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन है, बड़ी धूम से शादी होगी उसकी। धन्यवाद सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, तशरीफ रखिए। नमस्ते, तशरीफ रखिए। पृथ्वी भवर्णिमा तस्यास्ते पृथ्वी देवाय यने प्रदे, पृथ्वी भवर्णिमा तस्यास्ते पृथ्वी देवाय यने। ठाकुर साहब आपने मुझे बुलाया। भूप सिंह जी फेरों का समय हो गया है, चढ़ावे की रकम दे दीजिए तो रस्म पूरी हो जाए। जी हाँ ठाकुर साहब, अभी मिल जाएगी। ओम अग्ने स्वाहा इमने लग्नमम, ओम सोमायस्य स्वाहा इनमम स्वाहा लग्नमम। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? फेरों का समय बीता जा रहा है और सेठ जी अभी तक नहीं आए। ठाकुर साहब फेरों का समय निकला जा रहा है। भूप सिंह जी क्या बात है भाई, देर क्यों हो रही है? ठाकुर साहब सेठ जी अभी आते ही होंगे, रुपए उनके पास हैं। अगर फेरों का समय बीता जा रहा है तो आप फेरे होने दीजिए, रकम आपको मिल जाएगी। ये कैसे हो सकता है, सब बातें पहले ही पक्की हो चुकी है। तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। सुनिए
देवी मेहमानों का ख्याल रखना, मैं अभी आया। ओए खुची भूप सिंह, ओए दूल्हा का लिबास पहन कर इधर किधर आई? क्या दूसरा शादी बनाने का इरादा है क्या? लाला मुझे सेठ जी से मिलना है। ओए इसे तुम सेठ जी क्या नौकरी करती? कुछ तुमको नहीं मालूम सेठ इस वक्त घर पे नहीं होती? भगवान के लिए मुझे सेठ जी का पता बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ। ओ कुछ भूप सिंह, तुम्हारा परेशानी पर रहम खा के हम तुमको पता बताती।
कौन है बे? कौन है बे? नमस्ते सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया सेठ जी। मैं वहां आपका इंतजार करता रहा और आप तो रुपए लेकर आए ही नहीं। लेकिन तुम हो कौन? सेठ जी मैं हूं, मैं भूप सिंह हूं सेठ जी। भूप सिंह? हम किसी भूप सिंह और सिंह को नहीं जानते। होश में आइए सेठ जी, ये मजा नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है। तू पागल तो नहीं? अरे तेरे इज्जत से हमारा क्या वास्ता है, बोल। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी बहन की बारात आई बैठी है। लेकिन दूल्हा तो यहाँ है। सेठ जी बदतमीज, ये तेरी हिम्मत, इतनी ऊंची आवाज में हमसे बात कर, जानता नहीं हम कौन है? सेठ जी मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। अगर बारात वापस लौट गई तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। वही बकवास, क्यों वे? हमने तेरी बहन का ठेका लिया है क्या? ए, ए, खड़े खड़े क्या देख रहा हूँ, उड़ा रहा चले वो। खबरदार आगे नहीं बढ़ना, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। कमीने धोखेबाज, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बैल की डोली उठने दे, फिर मैं तुझे देख लूंगा, फिर मैं तुझे देख लूंगा। क्या हुआ भाई साहब? बारात वापस चली गई। ठाकुर बहुत बेइज्जती कर गए, भरी बिरादरी में नाक कट गई। चाचा जी, चाचा जी, सुंदरी। ये तूने क्या किया सुंदरी, ये तूने क्या किया? सुंदरी मैं सौगंध खाता हूँ कि तेरी चिता के शोले ठंडे होने से पहले उस कमीने धोखेबाज को खत्म कर दूंगा। मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार तू है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैं भी तेरे सामने गिड़गिड़ाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हत्यारे, मैं खूनी हूं, मैंने शराफत का चोला उतार फेंका है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उन सारी तिजोरियों को लूट लूंगा जिनमें मुझ जैसे मजलूमों के खून पसीने की कमाई भरी पड़ी है। नहीं, तुमने एक पाप कर लिया है और पाप मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। नहीं, तीर कमान से निकल चुका है, पुलिस और कानून मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने जो रास्ता चुना है मेरे लिए अब बस वही एक रास्ता बचा है, बस तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? निशा से ये कभी मत कहना कि वो एक खूनी की बेटी है, उससे कह देना कि उसका बाप मर चुका है। नहीं। और इसके लिए तुम्हें विधवा बनकर रहना होगा। नहीं। 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 नहीं।
परीक्षा न लो। मैं सुहागन होते हुए ये पाप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, नहीं। देवी, देवी समझने की कोशिश करो, ये पाप नहीं मजबूरी है, मजबूरी। देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, पुलिस मेरी तलाश में होगी, मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। आज के बाद पाप के होते हुए भी तू अनाथ कहलाएगी। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मुझे माफ करना। है मारा गणपति बापा, दो दिन हो गया ग्राहक की सकल को नहीं देखी। अरे प्रभु, कोई कायदा को ग्राहक भेजा दियो तो हो जाए मारो फायदो। गणपति बापा मोरिया रे पुजावर शीलो करिया, गणपति गणपति मारा गणपति रे, हे मारा गणपति रे, गणपति गणपति गणपति। आइए आइए सरकार, क्या दिखाऊं, कहाँ तक की चीज दिखाऊं? हमें असली 20-25 लाख। हे प्रभु, मुर्गी फंसी। अरे भोला जी, तू तो निकला सिर्फ गोला। अरे बड्डाड़े के चाहिए, बड्डाड़े मालूम है, तू जा यहाँ के वास्ते ठंडो गरम की ले रहा। अभी लाया सेठ जी। मैं कहूँ जी, कीमती से कीमती, बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाऊं आपने? तो सरकार, नवाब रामपुर ने अपनी मासू का परवीन सुल्ताना के वास्ते बड़ा प्यारू बनायो थो। अजी कुर्की और कलकी के जमाने में उड़तो उड़तो बुरमल की छोली में आई गयो। इकी कीमत है 5 लाख। लाइन सु दिखाऊंगो, घबराई जो नहीं। घबराता कौन है, ये तो अभी पता चलेगा। वो तो आपने पसंद आयोगे सरकार, निजाम सरकार ने अपनी 15वीं बीवी के वास्ते बनायो थो प्यार से, पर पहुंच गयो म्यूजियम में, और म्यूजियम में आए गयो बुरमल की छोली में, कीमत है 15 लाख। बुगला को तोपो, बाबर हुमायूं ने दियो, हुमायूं अकबर ने, और अकबर अपना टावर जहांगीर ने, और जहांगीर दियो साजा ने ले जा करके। साजा अपना छोरा औरंगजेब ने, और औरंगजेब बेगम, बेगम रख दे उधर, बेगम 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 से बेगम से बड़ा लोग बात करे तो बीच में मुंडी खा ले। अरे हट, बेगम शटर, अरे क्यों लगाया रे कटर, साला भटिंडा लोग है। नल्ली, नल्ली क्यों, नल्ली शट अप, आवाज की तो फोन के रख दूंगा। मैं फिर कह रही हूँ, जो कुछ तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। देवी, मैं अच्छा और बुरा सोचने की हद से बहुत आगे निकल चुका हूँ। मैं तो बदला ले रहा हूँ उन सरमाएदारों से जो हमारी बहनों की डोली उठवाने के बजाय उनकी अर्थी उठवा देते हैं। कब तक यूं खड़े रहोगे, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं देवी, इतना समय नहीं है, पुलिस मेरे पीछे साए की तरह पड़ी हुई है, मेरा बार बार यहाँ आना भी खतरे से खाली नहीं है। मैं आज ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। हमारा क्या होगा? तुम घबराओ नहीं, तुमसे मिलने के लिए मैं मंदिर में आ जाया करूंगा। वैसे तुम दोनों के लिए मैं एक दूसरी जगह का बंदोबस्त कर रहा हूँ। निशा कहाँ है? बाहर खेल रही है, तुम बैठो मैं भी लेकर आती हूँ। कथा सुनकर हमारी अखियन में भी पानी आएगा,
पर काका हमारी बात का बुरा मत मानना, ये सब तो हर खोटी बुद्धि के कारण हुआ है। का तो का भगवान पे भी भरोसा ना रहा? हमारी बात मान ले काका, ये दुर्गा माँ के सामने सौगन खाओ, आज के बाद तुम अपने पापों का निश्चित करोगे। काका भगवान सब ठीक कर देगा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो कुछ मैंने किया है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। सोचा था कि इज्जत से अपनी बेटी की डोली उठाकर अपने इस पापी जीवन का अंत कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब ये सोचता हूं कि मेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकोगे? काका देखो, मैं विनती करता हूं, इनकार मत करना। तुम्हारे गले में पड़ी हुई दुर्गा मां की सौगंध, मैं तुमसे कोई पाप का काम नहीं करवाऊंगा। पर बात का है काका, हमका बताओ तो। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे घर जाकर मेरी पत्नी और बेटी की देखभाल करोगे। तो ठीक है काका, पर बात ही है कि हम तो इस शहर में अपने भैया को ढूंढने आए हैं, वो बचपन में ही हमसे बिछड़ गया था। देखो, इतने बड़े शहर में तुम्हारा भाई एक दो दिन में तो मिलेगा नहीं। मेरे घर में रहो, ठिकाना भी हो जाएगा, आराम से अपने भाई को ढूंढना। मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरी पत्नी तुम्हें अपने बेटे की तरह रखेगी। मैं विश्वास तनिक ठहरा काका, तनिक ठहरा। ये समस्या हमार दुर्गा माँ ही सुलझाएगी। हम दुर्गा माँ से पूछे बगैर भोजन भी नहीं करत है। ये देखा, जो दुर्गा माँ हमार ओर देखेगी तो हम तुहार बात पे राजी नहीं, जो दुर्गा माँ तुहार ओर देखेगी तो हम तुहार बात पे राजी। मंजूर? हाँ, मुझे मंजूर है। दुर्गा माँ, काका दुर्गा माँ की आज्ञा तो हो ही गई, हम कोतवाली से छूटते ही तुहार घर पहुंच जाएंगे। पर काका तुहार पत्नी हमका पहचानी ही नहीं। ठहरो, ये लो मेरी निशानी, मेरी पत्नी इसे देखते ही जान जाएगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। उसे सब कुछ समझा देना और कह देना कि मेरी चिंता ना करे। ठीक है काका, बचपन से हम मयो के प्यार को तरसते रहे, इस बहाने हमका मयो भी मिल जाएगी। We'll be right back.
मालकिन अब बताओ क्या बात है। ई का पहचाना ये अंगूठी ये तो उनकी है। ये हमका काका ने दी थी। हम उनका खास आदमी है। काका ने हमसे वचन लिया हम तोरी सेवा करें सो हम यहाँ आ गए। लेकिन वो है कहाँ? खबर बहुत बुरी है मैयो। बता तू ये दुख होवत है। वो कोतवाली में बंद है बहुत कठिनाई में। हाय राम इसका मुझे डर था ना? कि उन्होंने मेरी बात मान ली होती। उसी में भलाई थी। तो हर बात तो ठीक है मैयो पर भाग का लिखा कौन मिटा सकता है? क्या दुर्भाग्य है मेरा। मैं सुहागन होते हुए भी सुआंगरा जा रही हूँ। मेरी बेटी बाप होते हुए भी बाप के प्यार को तरस रही है। ये काम में यो तूने फिर रोना शुरू कर दिया। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। काका बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और फिर हम उनका कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करने देंगे। सब इज्जत से रहेंगे। तब तक जीते रहो बेटा जीते रहो। कितना अच्छा लगता है मैया आज बरसों के बाद हमका किसी ने बेटा। बहुत थक गए हो गए जाके स्नान कर लो। हाँ ये ठीक कहा। भोजन से पहले स्नान करना बहुत जरूरी। अंग्रेजी फैशन की मटकी में थोड़ी चुल्लू पानी ना नहीं इससे हमारा काम ना बने। काम ना बने।
ऑफिसर का आलम भी है। ससुर आवाज का है नहीं आवाज, ससुर आवाज का है नहीं आवाज, आवाज का नहीं आवाज। अरे वाह, यहाँ भी परखा बाहर है। खूब जी भर के नाचना, जलन जलन तो नल धुल जाए, अगर कभी कभी कपड़े धुल जाए। अरे मंजन का भी इंतजाम। निका ससुरा साबुन बन रहा। अरे वाह, ये तो बादल बन गया। अब डुबकी लगाने का मजा है। जय बजरंग बली। किस बदतमीज ने बाथरूम के नल खोल रखे हैं? तुम बदमाश, तुम यहां तक पहुंच गए? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। मेरी पिंटो कहाँ हो तुम सब लोग? मम्मी मम्मी, ओहो, तुम्हें घर की कोई खबर भी रहती है? घर में एक बदमाश घुसाया है। दीवानी हो गई है क्या? वो बदमाश नहीं, मेहमान है। मेहमान? किसका मेहमान? अरे हमारा मेहमान। मम्मी, तुम उस जाहिल गवार की बात कर रही हो जो मेरे बाथरूम में नहा रहा है? आहिस्ता बात कर निशा, वो हमारा सगा संबंधी है, गांव से आया है, इसीलिए उसकी सारी आदतें गांव वालों जैसी हैं। तुम्हारे साथ रहेगा तो ठीक हो जाएगा। सगा संबंधी मेरे साथ रहकर ठीक हो जाएगा? ये सब क्या चक्कर? पिकनिक पे गई थी, काफी भीगी होगी, अब सर्दी हो गई है, जरूर बीमार होगी। बीमार तो मैं उसे देखते ही पड़ गई, पर अब तो मेरा दिमाग भी फटने वाला है। देखो मम्मी, मुझे जल्दी से समझा दो, ये हमारा सगा संबंधी कौन है और क्यों है? और अगर है भी तो उसे हमारे घर के अंदर, वो भी मेरे बाथरूम में क्यों घुसाया है? ठीक है पिंटो। यस मिसी बाबा। देखो उस जाहिल गवार को नौकरों के क्वार्टर्स में बंधवा दो, समझे? अंडरस्टैंड। नहीं तो कल सुबह मैं तुम्हें बांधूंगी। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। पिंटो। यस मालकिन। तुम कहाँ जा रहे हो? उस जंगली जानवर को बांधने। अरे उसका तो दिमाग खराब हो गया है, जाओ तुम काम करो, खाना लगाओ। सा रिवाज है गाँव में तो सब जमीन पे बैठ के खावत है। गाँव की बातें भूल जा बेटे और अपने आप को बदलने की कोशिश कर। ये जाहिल गवार क्या बदलेगा? नहीं निशा, ऐसी बातें नहीं करते, घर आए हुए मेहमानों की बेइज्जती नहीं किया करते। जसू तुम खाओ बेटे। हाँ भोजन तो हम जरूर करेंगे, पर तुम कहाँ जाओ तुम्हें? आज मेरा उपवास है, मैं पूजा करूंगी। हाँ एक्सक्यूज मी। पेटू पेटू हैं? अपुन का नाम पेटू नहीं, पिंटो डी कास्टा है। यू वांट मोर? नो थैंक यू। ये कहाँ है? इसे सूप कहते हैं। ला, पूरा ही रख दे। खाए की चीज़ है? जी नहीं, ये देखने और सूंघने की चीज है। जसू ब्रदर पीने की चीज है।
हाँ काढ़ा है, शहरी काढ़ा है सब्जीन। ओह नो, ये सुसरा तो एकदम फीका है। पिंटो, यस, जस्सू साहब को मिर्चे पेश करो। यस मैम। जिससे नाम पुकारा जस्सू साहब। अरे तनिक और डालो ना, हमको तेज खाने की आदत है। पिंटो सूप यहाँ लाओ। उधर हम अपने हाथ से मिर्ची डालेंगे। तनिक और जरूर। बस बस अब मजा आएगा। पेश करो। रख दे रख दे। ये हुई ना बात। अरे मर गवा, अरे मर गवा। पेटू पेटू ने पिंटू मारे ला। अरे पानी 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 पानी, अरे पानी ला पेटू, पानी 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 पानी। आया मिर्चियों का मजा। गुड, थैंक यू गुड। गुड़ खाने के लिए गांव जाना पड़ेगा, यही मौका है, बोरिया बिस्तर गोल कर लो। नहीं हम नहीं जा, नहीं जाओ। अरे गुड़, हम तुमको एक टाइम बोल दिया ना, गुड़ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शक्कर पर तुम इतना मिर्ची काहे को खाया। मैं घोड़े के माफक हिचकी मारता है, हिचकी मारता है, खाली पीली हमको भी परेशान करता है, लफड़े में डालता है। मेरी शक्कर दो, ये दो, वो दो, लो शक्कर। ओके ओके ये खाओ, इसके खाने से तुम्हारा हिचकी बंद हो जाएगा। ओह गॉड, व्हाट अ कैरेक्टर। ए मैन, क्या करता है, हमारा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। यो ओ गॉड। अरे तेरी कहाँ जा रही है। घर को जाता है सोने के वास्ते। अरे इतनी रात गई, अकेली कैसे जाएगी, यही सोचा हमारे संग। पागल तो नहीं हो गया मैं, हम तुम्हारे साथ इधर कैसे सोने को सकता। जाओ जाके मुंह धो और तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। ओह गॉड, छोरी नाराज हो गई। तनिक रुक जा, रुक जा। तनिक कहाँ है? के बदले सारे कष्ट हमका दे दो, इनका सदा सुखी रखो। तेरी लीला अपरंपार है मैया, हमने विनती सुन लो मैया,
हमारी बिनती सुन लो मैया, हमारी बिनती सुन लो मैया। पुना अब तो तू बड़ा हुई गवाह होगा, कहाँ ढूंढे तुझे, कहाँ होगा तू? Yeah.
करके मदहोश करके मैं तुमको लूट लूंगा। क्या बात है माँ, जब भी ये दिन आता है तुम इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रोती हो? वक्त तो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, ये कैसा जख्म है जो आज तक नहीं भर पाया? ये जानने से पहले तू वचन दे राजू कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा। मैं वचन देता हूँ माँ। तो सुन, आज के दिन एक जालिम ने तेरे पिताजी को जान से मार डाला था। वो चीखते रहे, तड़पते रहे, जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन उसे तरस नहीं आया। आज आज 18 साल से उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही है, मेरे सीने में इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। माँ, मैं कसम खाता हूँ उस पापी बेरहम जालिम को मैं जिंदा चला दूंगा। बता कौन है वो? बेटा, मुझे डर है कहीं कातिल का नाम सुन के तू अपना वचन ना हार जाए। राजपूत जान हारते हैं, वचन नहीं। बताओ माँ, कातिल कौन है? भूप सिंह। कौन भूप सिंह? निशा का बाप। वो तो मर चुका है। नहीं, जेल में सजा काट रहा है। मैं चाहती हूँ जिस तरह से उसने मेरी मांग उजाड़ी है भी उसका घर उजाड़ दे, ताकि वो मेरी तरह जलता रहे, सुलगता रहे। बोल, तू ऐसे कर सकेगा? माँ, राजेश, एक तरफ वचन की भारी जंजीर है और दूसरी तरफ प्यार की नाजुक डोरी। तू किसे काटेगा, किसे तोड़ेगा? तुम्हारे खून की कसम माँ, पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचाना मेरा धर्म है, और अपने धर्म का पालन करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मम्मी कहती हैं ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान? मेहमान तो कुछ दिनों का होता है, और उसने तो यहाँ अड्डा जमा के रखा है। बिल्कुल, अब तो हम दोनों पर नजर भी रखता है। अच्छा? बात बात पर टोकता है। कहाँ है हमारे जेवर, बोलो। देखो जी, आप हमका जाहिल गंवार कहत है, हम सह लेते हैं, पर चोर उचक्का कहा तो झगड़ा टंडा हो जाएगा। हाँ, हम शरीफ आदमी है। शराफत तो तुम्हारी सूरत से टपक रही है। देखो, अगर सीधी तरह से नहीं बताओगे ना तो पुलिस को बुला लूंगी। निशा, ये सुबह सुबह किससे झगड़ा कर रही है? मम्मी, इसने मेरे जेवर चुराए हैं। पागल हो गई है, एक बार देख चुकी है ये शरीफ आदमी है, फिर भी शक कर रही है। मम्मी, तुखम पर तो इसकी शराफत की पट्टी बंधी हुई है, हमेशा इसकी तरफदारी करती रहती हूँ जैसे कि मैं ही झूठ बोल रही हूँ। परवाह है, कहीं की चीज कहीं रख कर भूल जाती है। नहीं, मैं कहीं रख कर नहीं भूली। अरे बेटा, पहले अच्छी तरह देख तो ले, फिर कहना। ठीक है, लेकिन अगर मेरे जेवर नहीं मिले ना तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी। हाँ हाँ, कर देना। भाइयो, आज तो हर बिटिया ने हमारी इज्जत की मिट्टी पलित कर दी। अरे बुरा न मानो बेटे, वो नादान है, अभी तक तुम्हें समझी नहीं। यही तो बात है, समझ लेती तो बात ही कुछ और होती। ओह मैन, तुम पागल हो गया है क्या? इतना सारा बुक पढ़ने के वास्ते 20 साल मांगता है। 20 साल? यारे दिया, तब तक तो हमार 32 भी ना ही रहेगी। एक काम कर, तू हमका ये गिटर पिटर विलायती भाषा
मुंह जबानी सिखा दे। पर मैन, ये सब सीख कर तुम क्या करेगा? पर ये बता सकते तो फिर रोना काहे का था। तेरी तनिक हमार मदद कर देना, सिखा दे। ओके मैन, हम तुमको हेल्प करेगा। ऐसा टीचर देगा कि तुम भी हमको याद करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात बता, तेरी तेरा कोई वो है? वो क्या? जिससे शहरी भाषा में ससुर गोचू कहते हैं, गोचू। ओ, यू मीन टू से बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। तू भी उसके साथ ऊ किया होगा? What? अरे वही जो छोरा छोरी के साथ करत है। ससुर अंग्रेजी में का कहते हो का? लव लव, लव लव। तेरी तू ही लव लव ऊ के साथ कैसे करत है? तनिक हमका बताए देना। नो मैन, ये हम तुमको कैसे बता नहीं सकता। नहीं जगह से जगह से। ओके, पहले उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर उसके करीब जाकर और प्यार से कहा, आई लव यू डार्लिंग। तनिक दूर से। ओ यू शट अप, हम तुमको कुछ नहीं सिखाएगा। हमका माफ कर दे तेरी, हमका माफ कर दे। हम तनिक डरा गए, कुछ समझ में नहीं आया। चला फिर से हमका बताया देना, फिर से बताया देना। फिर से? फिर? फिर? फिर हम उसके नजदीक गया, अपना हाथ उसके कमर पे रख के उसके करीब गया, अपनी उंगली उसके गाल पर यूं फेरा, उंगलियों से उसके होठों को यूं छुआ और उसको किस किया। यू मीन जानवर और इंसान, हम देवर सर्कस हाथी मेरे साथी के रिंग मास्टर थे। हमने बड़े बड़े हाथियों को इंसान बना दिया, इंसानों को हैवान और हैवानों को शैतान, शैतानों को भगवान बना दिया, मामूली वेटर को कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, कॉन्ट्रैक्टर को एक्टर बना दिया, एक्टर को मिनिस्टर बना दिया। तुम किस खेत की मूली हो? कहा हम तो का मूली लगत है। नहीं मेरे राजा, मूली नहीं, तुम तो फूल लगते हो, गोभी का फूल, पक 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 पका। हमारे जसू ब्रादर को एकदम मॉडर्न बना दो, लवर फ्रॉम होनुलुलु। वो हमारे मिसी बाबा के साथ डांस करना, डांस करने को मांगता रम पम पम, रोमांस करने को मांगता नम नम नम। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ ऐसा वैसा करेगा कि मिसी बाबा तो क्या है, उसकी मम्मी भी इसकी घन चक्कर बनकर इसके चक्कर काटेगी। हमारे रिफॉर्मेशन बीरियो का बहुत बड़ा चक्रा है, एक बड़ी चक्की की तरह, और इसी चक्की को देखकर भगत कबीर दास जी ने कहा था कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाषाण के बीच में साबुत बचा न कोए। मगर हमने चक्की के पाटों में से दानों को सही और साबुत निकाला और उनके नाम को छाला, उनमें से एक दाने का नाम है दलीप कुमार। हमने उससे गंगा जमनी जबान बुलवाई और ये धन्नो, हमार भैया, हमार मुन्ना, अरे साहब बन गवारे। अरे गुरुजी तो हमार गांव की बोली बोलत है तेरी। अरे तेरी पक 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 पक। ओ मैन, ये हमको मेरी नहीं तेरी बोलता है, मेरी को तेरी और तेरी को मेरी बोलता है, मेरी को तेरी और तेरी को मेरी, बहुत लंबा लफड़ा मालूम होता है। चाय नहीं है, पानी ले लीजिए, मुख सब ले ले, पानी।
पानी ज्यादा ही, पानी की टंकी पक 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 पक। हमारा धर्मेंद्र दूसरा चेला, जिसने शोले में लगा दिया मेला और मौसी का कर दिया झमेला। बोला, मौसी अगर तुमने बसंती से हमारी शादी नहीं की तो हम सुसाइड कर लेंगे। तू पिंटो क्यों है? I don't know. But I came to know कि मैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका, मगर हम तुमको अटकने नहीं देंगे, कहीं भटकने नहीं देंगे। तुमको आज का मॉडर्न टिप टॉप नौजवान बनाएंगे। आओ हमारे साथ। बक 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 बक। तुम्हारे बगैर मेरी खुशी अधूरी रह जाएगी मम्मी। आज पहली बार मेरी बर्थडे पार्टी में तुम नहीं रहोगी। अरे मैं नहीं तो क्या, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ है। भगवान करे मेरी भी उम्र तुझे लग जाए। लेकिन बेटी जरा जल्दी घर आ जाना। लेकिन मम्मी पार्टी तो शायद रात भर चलेगी। तो क्या तू रात को घर नहीं आएगी? ओहो मम्मी इसमें घबराने की क्या बात है, मैं अकेली थोड़ी हूँ, राजेश भी तो मेरे साथ है। हुँ? अच्छा मम्मी मैं चलती हूँ, पहले ब्यूटी पार्लर जाना, राजेश मेरा इंतजार कर रहा है। ओके बाय बाय। जसू बेटा बहुत ही घबरा रहा है। क्या हुआ? आज निशा पार्टी में रात भर पहली बार अकेली रहेगी। मुझे राजेश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। ईमा घबराने की क्या बात है, तोहार जसवा मर गवा है का? तू फिकर मत कर, तोहार बिटिया अकेली ना ही रहेगी। ऊ की पार्टी में हमारी भी शिरकत हो ही जाएगी। ना बाबा ना, तू वहां मत जाना, बेकार में कुछ उल्टी सीधी बात हो जाएगी। अरे तू चिंता ना कर मयो, कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी। हम वहां जाकर ऐसा सरप्राइज देंगे कि सबकी तबीयत साफ हो जाएगी। क्या क्या कहा तूने? सरप्राइज? यस मयो, सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज। अरे मयो अब तो हार जस्वा पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ सीख लिया है हमने, भीतर से तो सब ठीक ठाक कर लिया, बस अब बाहर का हुलिया बदलना बाकी है, सो भी हो जाएगा। फिर देखना विलायती बाबू से हम कैसे डट के टक्कर लेते हैं, बस तो हमका आशीर्वाद दे। चलो बेटा चलियो। हैप्पी बर्थडे निशा। थैंक यू। हेलो, जन्मदिन मुबारक हो। हेलो, तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत खुदा करे के ना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आओ निशा इनसे मिलो, मिस्टर वेद प्रकाश, मिस्टर सलीम अख्तर और Hello. इनके कुछ साथी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय स्वेरे। ओह हाय हैंडसम। हाय बेबी, गुड इवनिंग। ओह यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। थैंक यू। ये जाहिल गवार यहाँ? निशा आज खुशी का मौका है, मूड खराब मत करो। जब वो यहाँ आई गया है कुछ मजा लेते हैं, फील हैव सम फन। ओके ओके रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। जरा प्यार से बोलो। ठीक है हम बिन बुलाए आ गए हैं, लेकिन अपनों को बुलाया थोड़ी है। क्यों बुलाया थे बाबू, हमने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल नहीं श्रीमान जी, वैसे आज आपका ज्योग्राफी बदला हुआ है। अजी आपने अभी देखा ही क्या है, ज्योग्राफिया तो ज्योग्राफिया, आज तो हमारे हिस्ट्री भी बदला। वेल जेंटलमैन लेट्स हैव सम म्यूजिक।
आप ही ने कह डाली हाँ, बात मेरे दिल वाली आप ही ने कह डाली हाँ, तो मैं दिल लिए बैठे हैं हम हिस्ट्री भी बदल गई ना बच्चू ये तो सैंपल था
दोबारा गड़बड़ की ना तो थोड़े का ज्योग्राफिया बदल दूंगा। गुड नाइट। हमेशा राजेश की गलती नजर आती है, न जाने क्या जादू किया है इस गवार ने तुम पर। मैं पूछती हूँ ये उल्लू का बट्टा तुम्हारा कौन लगता है? बुरी बात है बेटा, वो हमारा मेहमान है। मेहमान मेहमान मेहमान, ये सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। मेहमान एक दिन का होता है, एक महीने का होता है, पूरी जिंदगी का ठेका तो नहीं लिया है आपने। अब तुझे कैसे समझाऊं बेटी? मैं सब समझ चुकी हूँ मम्मी। क्या मतलब? राजेश कहता है जस्सू के इस घर में रहने से बदनामी हो रही है। राजेश कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? राजेश इस घर का होने वाला दामाद है। बिल्कुल नहीं, वो अगर कोई गलत बात करेगा तो मैं उसे इस घर में कदम रखने नहीं दूंगी। राजेश को तो रोक लोगी तुम, दुनिया वालों की जबान कैसे बंद करोगी? सब लोग तो उंगलियां उठा रहे हैं। निशा। हाँ मम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ, आज के बाद जस्सू इस घर में नहीं रहेगा। ये हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, तुम रहो अपने जस्सू के साथ। काश कि तू पैदा होते ही मर जाती तो मुझे आज मुझे ये दिन तो न देखना पड़ता। ये नहीं हो सकता, राजपूत अपने दिए हुए वचन से कभी नहीं फिरते। मैं निशा और उसके खानदान से बदला लेके आऊंगा। लेकिन तू तो प्यार करता है निशा से। प्यार से ज्यादा मुझे वचन प्यारा है। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटी, मुझे तो राजेश पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मजबूर थी। मम्मी, मुझे क्या मालूम था वो धोखेबाज निकलेगा। भगवान जो भी करता है अच्छाई करता है, और अब तो तुमने खुद समझ लिया उसे। मम्मी, लेकिन वो बदला किस बात का लेगा? कौन जाने उसके मन में क्या पाप भरा है, लेकिन तू उसकी चिंता न कर बेटी, जो होगा सो देखा जाएगा। निशा मेरी बेटी, मत रो मेरी बेटी, मत रो। हेलो निशा, कहाँ हो भाई? जस्सू, राजेश का फोन है, उसे कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ और आइंदा मुझे फोन ना करें प्लीज। थैंक यू। हेलो, हमका पहचाना मिला दी बाबू, हम है तो हर ज्योग्राफिया का प्रोफेसर। सैंपल से तो तुम सिर्फ अस्पताल पहुंचे हो, लेकिन अगर दोबारा यहाँ फोन किया या निशा से मिलने की कोशिश की तो हम अपना असली रूप तो का दिखा देंगे। फिर जानते हो क्या होगा, तुम हॉस्पिटल से सीधा शमशान घाट पहुंच जाओगे, वाया घर भी नहीं जाओगे, समझे? हाँ। मैंने ठीक कहा ना? जस्सू, मैंने तुम्हें गलत समझा, बुरा भला कहा, चोरी तक का इल्जाम लगाया तुम पर, मुझे माफ कर दो। नहीं, वो सब तो तुम्हारी नादानी थी, इसलिए बुरा ही नहीं लगा, और फिर मैंने जो कुछ भी किया मेरा फर्ज था। बस इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम एक बुरे आदमी की चुंगल से बच गए। थैंक यू जस्सू। वेलकम, आपको कौन मांगता है ब्रादर? तुम लोग अंदर किधर घुसता है, ये कोई पब्लिक गार्डन है? मालकिन मिस्टर बाबा, गुंडा लोग अंदर आ गया, पुलिस को फोन करो। पुलिस के बच्चे, चल अंदर। पिंटू, पिंटू, मिस्टर बाबा, ओह माय गॉड, ये लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? अरे तुम तो जवान हो गई हो। तमीज, तुम हो कौन?
कौन और इस तरह घर में घुसने का क्या मतलब? हमारा नाम बदतमीज नहीं विक्रम सिंह है, और मतलब तुम्हारी माता जी को समझाएंगे। लो आ गई वो। तुम? अच्छा हुआ मौसी तुमने मुझे पहचान लिया। मैं समझ रहा था कि बहुत दिनों के बाद आया हूँ, शायद तुम मुझे भूल चुकी हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जरूरत के बगैर कौन किसके पास आता है मौसी। वैसे तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि भूप सिंह गिरफ्तार हो गया है। भूप सिंह? ये भूप सिंह कौन है? जरा तमीज से नाम लीजिए, ये नाम तुम्हारे बाप का है, जो कत्ल और डकैती के जुर्म में जेल की हवा खा रहा है। मेरे ख्याल में अगर उसे फांसी ना हुई तो उम्र कैद तो जरूर होगी। मम्मी, मम्मी ये कौन है और क्या कह रहा है? जो राज हमेशा तुमसे छुपाया गया है उसका इकरार तुम कैसे करोगी मौसी? लेकिन मैं झूठ बोलना पाप समझता हूँ, इसलिए सब सच बोल दिया। तो तुम ये सच बोलने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, नो, मैं अपना हक लेने के लिए आया हूँ। कैसा हक? हम लोगों ने बैंक से 50 लाख रुपए की डकैती की थी, आधे का हक मेरा था, लेकिन तुम्हारे पति ने हमारे साथ गद्दारी की, सारे का सारा रुपया खुद ही हड़प कर गया। तो ये बात उनसे करो, यहाँ क्या लेने आए? रुपया? भूप सिंह ने रुपया यहीं छुपाया होगा। यहाँ कोई रुपया उपया नहीं है। शराफत से मान जाओगी तो मैं अपने हिस्से का सिर्फ 25 लाख रुपया लेकर चला जाऊंगा, बाकी का रुपया तुम दोनों के लिए छोड़ जाऊंगा। जिंदगी बर्दाश्त करोगी? एक बार कह दिया ना, यहाँ कुछ नहीं है, निकल जाओ। बस ये बुढ़िया सीधी तरह बताने वाले नहीं, हम घर का तलाशी लेगा। खबरदार, अगर किसी ने घर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस को फोन करके एक-एक को जेल भिजवा दूंगी। इन्हें अंदर जाने दो, चलो तलाशी लो। नहीं। यहाँ ऊपर देखो। एक बात कान खोल कर सुन लो मौसी, मैं अपने हक की रोटी दुश्मन का गला काट के भी निकाल लेता हूँ। मैं भूप सिंह को कभी माफ नहीं करूंगा, और मौसी अगर यहाँ से कुछ नहीं मिला तो मैं अपना हक तुम्हारी बेटी से वसूल करूंगा। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तेरा गला खोल दूंगा। बदमाश तेरा, शर्म नहीं आती औरतों पे हाथ उठाता है? कहीं का बस घर में कुछ नहीं मिला, लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। ले चल इन दोनों को। ले चलो। डाल दो मैं गाड़ी में, चलो। और तुम लोग दूसरी गाड़ी में आओ। ओके बॉस। निशा कहाँ है? मयो कहाँ है? चंदू ब्रदर। हाँ, निशा और मयो कहाँ है? इधर बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, विक्रम सिंह और उसका गुंडा लोग इधर आया होता, मिस्टी बाबा और मालकिन को बहुत मारा पीटा, जबरदस्ती इनको उठा के ले गया। उठा के ले गए? कौन है ये विक्रम सिंह? वो अपन को नहीं मालूम, वो बोलता होता भूप सिंह ने 50 लाख का डाका डाला, उसमें 25 लाख उसका हिस्सा होता, वही हिस्सा लेने इधर। ये रहा विक्रम सिंह,
ये विक्रम सिंह है? तो मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, तुम्हारा तो मुझ पे एहसान है, कहो कैसे आना हुआ? अगर तुम मानते हो कि मैंने तुम पे एहसान किया है तो उस एहसान का बदला चुका दो, मुझे अपनी गैंग में शामिल कर। गैंग में? लेकिन तुम तो शरीफ आदमी लगते हो। शराफत से पेट नहीं भरता। लेकिन हमारे काम में जान हमेशा हथेली पे रहती है। मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ विक्रम, मेरे लिए मौत एक मामूली बात है। क्या मतलब? तुमने उत्तर प्रदेश के मशहूर डाकू दुर्जन सिंह का नाम सुना है? क्यों नहीं, उस बहादुर आदमी से मिलने की मेरी आज भी तमन्ना है। तो फिर आज ही अपनी तमन्ना पूरी कर लो, दुर्जन सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम दुर्जन सिंह? बस कहां दुर्जन सिंह और कहां ये आदमी, हमें बेवकूफ बना रहा है, जरूर ये पुलिस का जासूस है। एक बात बताओ विक्रम सिंह, तुम अपना हर काम इन चक्रमों की राय लेके करते हो? ए, मैं अभी फैसला करता हूं। धन्य हो दुर्गा माँ कि तुमने मुझे इस आदमी पर भरोसा करने की आज्ञा दे दी। दुर्जन सिंह, मेरी गैंग को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। आज रात को हमने एक जगह डाका डालने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मेरी जगह तुम जाओगे। अगर तुम कामयाब लौटे तो तुम हमारे साथ ही, नहीं तो मेरे ये प्यारे प्यारे चक्रम तुम्हें कुत्ते की मौत मार देंगे। मुझे मंजूर है। अरे बरहुरदार कहां हो, उका तो लाओ। नहीं तो मेरे ये प्यारे प्यारे चक्रम तुम्हें कुत्ते की मौत मार देंगे। बुड्ढे बुड्ढे बस, बरखुरदार तुम और इतनी रात गए, तुम्हारा तो हुलिया ही बदल गया है। लेकिन ये सब कौन है तुम्हारे साथ जस्सू बेटे? कौन जस्सू? अबे खूसर, तुझे धोखा हुआ है, हम दुर्जन सिंह हैं, डाकू दुर्जन सिंह। नहीं बरखुरदार, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती, तुम मेरे बेटे हो। बकवास बंद कर, अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे बुढ़ापे पे रहम नहीं खाऊंगा। कमीने बदमाश, अगर मुझे मालूम होता कि तू आस्तीन का सांप निकलेगा तो तुझे उसी वक्त कुचल दिया होता। मगर ये मत भूल कि मेरे बूढ़े बाजों में आज भी इतनी ताकत है कि मैं तुझ जैसे नमक हराम को खत्म कर सकता हूँ। अल्लाह, भूप सिंह की धर्म पत्नी हो। उस हरामजादे ने भी कुछ नहीं बताया, पुलिस ने बहुत मारा उसे,
लेकिन मौसी मेरा नाम विक्रम सिंह है। पुलिस और मुझ में बहुत फर्क है। तू ताकत के नशे में अंधा हो गया विक्रम सिंह, लेकिन ये न भूल कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं, तू कहीं का नहीं रहेगा विक्रम सिंह, तू कहीं का नहीं रहेगा। अरे हट, मैं अपने खिलाफ जहर उगलने वाली जबान को हमेशा के लिए बंद कर देता मौसी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अरे तुमको तो अपनी बेटी की इज्जत की भी परवाह नहीं। तुम्हारी आंखों पर 50 लाख का पर्दा पड़ा हुआ है मौसी, 50 लाख का। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर अच्छी तरह से सुन लो। तो मैयो और निशा नहीं, विक्रम सिंह की लाश जाती वहां से। मैं उस धोखेबाज कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जस्सू। नहीं काका नहीं, तुम कोई पाप नहीं करोगे। तुमने दुर्गा माँ की सौगंध खाई है काका। मैयो और निशा की जिम्मेदारी मेरी है, उनको बचाने के लिए मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें कैसे मालूम कि वो विक्रम सिंह है? मैं उसके अड्डे तक पहुंच गया हूं और उसका भरोसा हासिल करने के लिए मैं उसके गैंग में भी शामिल हो गया हूं। अब वो मुझे अपना दोस्त समझता है और मेरे ही कहने पर उसने मैयो और निशा के साथ कुछ जुल्म नहीं किया। देखो काका, ये लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। क्या शर्त है उसकी? आप लोगों ने बैंक में जो डाका डाला था उसका वो अपना आधा हिस्सा मांग रहा है। उसने वादा किया है पैसे मिलने पर वो मैयो और निशा को छोड़ देगा। काका, पाप का रुपया रखने से क्या फायदा? मान लीजिए शर्त, दे दीजिए रुपया। जसू, रुपये तो क्या, मैं निशा और देवी के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि वो रुपये लेकर धोखा नहीं देगा? मुझे यकीन है वो धोखा नहीं देगा, और अगर उसने ऐसा किया तो दुर्गा माँ की सौगंध काका विक्रम सिंह की लाश पहचानने के काबिल नहीं रही। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी बता दो रुपया कहाँ है। रामनगर के खंडरों में झंडे वाले पेड़ के नीचे। मैंने भूप सिंह को वचन दिया है, जब तक तुम उनकी पत्नी और बेटी को मेरे हवाले नहीं करोगे ये रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम ये कह रहे हो? तुम तो मेरे आदमी हो विक्रम। हम डाकुओं के पास एक ही चीज होती है, जबान। मैं राजपूत हूँ, अपनी जबान का पक्का। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तुम उन दोनों मेरे हवाले कर दो, फिर ये रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा।
ठीक है, चलो। शिकार लाइए हमारा इनाम। तुम्हारा इनाम आउट। थैंक यू सर। तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? मैं कौन हूं और तुम्हें यहां क्यों लाया गया है अभी पता चल जाएगा भूप सिंह। मैं उस बदनसीब मां का बेटा हूं जिसकी मांग तुमने भरी जवानी में उजाड़ दी थी। मैं उस पाप का बेटा हूं जिसे बरसों पहले तुमने बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से मार डाला था। तुम लक्ष्मी सिंह के बेटे हो। तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है लेकिन आज मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सपोला होता है। इससे पहले कि तू किसी को डसे मैं तुझे इसी कब्र में दफना देता हूं। ले आओ उन दोनों को। वो दोनों भाग गए बॉस। क्या विक्रम सिंह, ऐसे ड्रामे में बहुत कर चुका हूं। ये रुपया तुम्हें उसी वक्त मिलेगा जब तुम उन दोनों को मेरे हवाले करोगे, वरना मैं चला। दुर्जन सिंह, तुम आए अपनी मर्जी से जरूर थे लेकिन यहां से जाने के लिए मेरी मर्जी जरूरी है। ये बात है, चलो ये रुपयों का थैला मैं यहां रखता हूं। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो इसे हाथ लगा कर दिखाओ।
आज बरसों के बाद मेरा अरमान पूरा हो रहा है। एक शेर ने दूसरे शेर को ललकारा है। ये लड़ाई मेरी है। ठैंक दो हथियार। माफ कर दो भैया। ये क्या कर रहे हैं पगले? मेरा भाई। पगले, तुझे कितना ढूंढा मैंने, कहां खो गया था तू? मैं गुनाह गिर चुके हो, भला इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारी गोलियां तुम्हें छलनी कर देंगी। स्वामी, डैडी, आंखें खोलो, देखो, देखो कौन आया है, डैडी, डैडी,
रोनी बेटी, रोनी। नहीं डैडी। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई है बेटी। डैडी, मुझे माफ कर देना। प्लीज। मुझे माफ कर देना। प्लीज। फिल्म का चकमकाता सितारा हमेशा के लिए मौत के अंधेरों में डूब गया, लेकिन संजीव कुमार की